हेलो गाइस, मैं हूं मेहरबान, आपका दोस्त, आपका हमदर्द, फिर एक नई वीडियो में आपके साथ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका इंडियन गैस एजेंसी में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना गैस सिलेंडर कैसे बुक कर सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी में रजिस्टर नहीं है, आपके पास एक नया मोबाइल नंबर है तो उस मोबाइल नंबर से आप अपना गैस सिलेंडर कैसे बुक कर सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल नंबर खो गया है या बंद हो गया है तो आप अपनी गैस एजेंसी में घर बैठे अपना मोबाइल नंबर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। अब भारत सरकार ने इंडियन गैस सिलेंडर बुक करने के लिए 1 नवम्बर 2020 से एक बुकिंग नंबर जारी कर दिया है। अब पूरे देश में इस नंबर से हम अपना इंडियन गैस सिलेंडर आसानी से बुक कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता या चेन्नई या उत्तर प्रदेश या किस या कोई भी छोटा गांव हो। अब एक बुकिंग नंबर से अपना इंडियन गैस सिलेंडर आसानी से बुक किया जा सकता है। और पहले क्या होता था, हर स्टेट का बुकिंग नंबर अलग होता था, जिससे कस्टमर को सिलेंडर बुक करने में काफी दिक्कतें होती थी। अब गवर्नमेंट ने पूरे भारत में एक बुकिंग नंबर जारी कर दिया है, जिससे हम अपना गैस सिलेंडर बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं। अब पूरे भारत में अपना गैस सिलेंडर बुक करने के लिए बुकिंग नंबर है 7718955। इस बुकिंग नंबर से हम अपना इंडियन गैस सिलेंडर कहीं से भी, किसी भी गांव या शहर से बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस मोबाइल नंबर से अपना गैस सिलेंडर बुक कर लेते हैं जो हमारा गैस एजेंसी में रजिस्टर है। तो जैसे ही हम अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल लगाएंगे तो कंप्यूटर बोलेगा और कंप्यूटर लैंग्वेज चुनने के लिए बोलेगा, तो हम हिंदी, इंग्लिश या अदर जो भी लैंग्वेज चुनना चाहते हैं वो ऑप्शन दबा देंगे। उसके बाद कंप्यूटर बोलेगा कि आप अपना सिलेंडर बुक करने के लिए 2 दबाएं, तो हम 2 दबा देंगे तो हमारा गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा। तो चलिए हम अपना बुकिंग नंबर डायल करके अपना गैस सिलेंडर बुक कर लेते हैं। जो नंबर हमारा गैस एजेंसी में रजिस्टर है उस नंबर से हम अपना सिलेंडर बुक कर लेते हैं और बुकिंग नंबर 7718955 हम पहली सिम से ये डायल कर लेते हैं। तो हमने डायल कर लिया है। तो हिंदी के लिए हम 2 दबा देते हैं। हमारी रिकॉर्ड के अनुसार आपकी ग्राहक संख्या यानी कंज्यूमर नंबर है, कंज्यूमर नंबर बता रहा है ये कंप्यूटर, 0083335। बुकिंग के लिए 1 दबाएं, ऑर्डर की स्थिति अंकित करने के लिए 2 दबाएं। देखिए, अगर हमारा सिलेंडर बुक है तो बुकिंग की स्थिति जानने के लिए 3 दबा सकते हैं और सिलेंडर बुक करने के लिए 1 दबा सकते हैं। आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है। आपका रीफिल बुकिंग नंबर है 1781। इंडियन ऑटोमेटेड रीफिल बुकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। तो आप यहां देख सकते हैं, जो नंबर हमारा गैस एजेंसी में रजिस्टर था उससे हमने बहुत ही आसानी से अपना सिलेंडर बुक कर लिया। और जैसे ही हमने अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से अपना सिलेंडर बुक किया और तुरंत मैसेज आ गया कि हमारा सिलेंडर बुक हो चुका है, और मैसेज में हमारी कंज्यूमर नंबर ID, रजिस्टर विद रेफरेंस नंबर आ जाता है और ये सिलेंडर 1 दिन के अंदर हमारे घर डिलीवर हो जाता है। वैसे गैस एजेंसी 1 से 3 दिन में हमारे घर सिलेंडर डिलीवर कर देती है। और हमें एक लिंक दिया गया है, अगर हम ऑनलाइन अपने सिलेंडर का अमाउंट पे करना चाहें तो वो भी पे कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना गैस सिलेंडर उस नए मोबाइल नंबर से बुक कर लेते हैं जो हमारा गैस एजेंसी में रजिस्टर नहीं है। तो उस मोबाइल नंबर से अपना गैस सिलेंडर बुक करने के लिए हमें कंज्यूमर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा कंज्यूमर नंबर कहाँ होता है, तो देखिए, हमारे यहाँ पर जब गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय हमारे घर सिलेंडर लेकर आता है तो इस तरह की हमें एक रिसिप्ट दे के जाता है, इसमें हमारा कंज्यूमर नंबर होता है। और इसके अलावा आपकी गैस की पासबुक पर भी कंज्यूमर नंबर होता है,
या आपको सिलेंडर की रसीद नहीं मिलती है या आपके पास पासबुक भी नहीं है, तो आप अपनी गैस एजेंसी से भी पता कर सकते हैं आप अपना कंज्यूमर नंबर। इसके अलावा अगर आपके यहाँ डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेकर आता है तो आप उससे भी पता कर सकते हैं अपनी कंज्यूमर नंबर आईडी, और इस कंज्यूमर नंबर आईडी से एक नए मोबाइल नंबर से आप अपना गैस सिलेंडर बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं। और हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें, आप जिस नए मोबाइल नंबर से अपना गैस सिलेंडर बुक कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो परमानेंट रजिस्टर भी कर सकते हैं उस मोबाइल नंबर को, या फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर चेंज भी हो जाएगा। जैसे अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है या बंद हो गया है या आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप एक न्यू नंबर से अपना सिलेंडर बुक कीजिए अपनी कंज्यूमर नंबर आईडी डालकर, और आपका गैस सिलेंडर भी बुक हो जाएगा। तो कंप्यूटर बोलेगा आप अपना व्यक्तिगत नंबर रजिस्टर करने के लिए एक या दो दबाएं और आप उस ऑप्शन को दबा दें तो आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा। तो देखिए, अब गैस सिलेंडर बुक करना पहले से बहुत आसान हो गया है। पहले हमें कई सारी स्टेप को फॉलो करना होता था, तब जाके हमारा गैस सिलेंडर बुक होता था, या फिर हम अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते थे या चेंज करना चाहते थे तो भी कई स्टेप को फॉलो करना होता था, तब हमारा मोबाइल नंबर गैस एजेंसी में घर बैठे रजिस्टर हो पाता था या फिर चेंज हो पाता था। अब बहुत आसान है, आप दो चीज़ों से अपना गैस सिलेंडर बुक भी कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए, डिलीवरी बॉय जब आपके यहाँ पर सिलेंडर लेकर आता है तो कुछ इस तरह की रिसिप्ट लेकर आता है। इस रिसिप्ट में कंज्यूमर नंबर आईडी होती है। तो सिलेंडर बुक करने के लिए हमें कंज्यूमर नंबर आईडी डालना पड़ती है और अपने आधार कार्ड के 4 अंक डालने होते हैं पहली बार अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए, और हमारा गैस सिलेंडर बुक भी हो जाता है और हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर भी हो जाता है, और अगर हम चेंज करना चाहते हैं एक न्यू नंबर तो वो भी चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने एक न्यू नंबर से अपना गैस सिलेंडर कैसे बुक कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरी सिम में जो मोबाइल नंबर है ये हमारा गैस एजेंसी में रजिस्टर नहीं है, तो हम इससे अपना गैस सिलेंडर बुक कर लेते हैं और ये नंबर हम रजिस्टर भी कर लेते हैं, या हम चेंज करना, पहले हमारा दूसरा नंबर ये गैस एजेंसी में था तो हम चेंज करना चाहें तो ये चेंज भी कर सकते हैं। तो हम दूसरी सिम से अपना ये मोबाइल नंबर डायल करके और गैस सिलेंडर बुक कर लेते हैं। बुकिंग नंबर है 7718955, तो ये नंबर हम डायल कर लेते हैं। तो हिंदी के लिए हम 2 दबा देते हैं। इस फोन नंबर को अपने व्यक्तिगत नंबर के रूप में पंजीकृत करने के लिए 1 दबाएं, अथवा देखिए कंप्यूटर बोल रहा है ये नंबर रजिस्टर करने के लिए 1 दबाएं। कृपया अपना 16 अंकों वाला ग्राहक संख्या अंकित करें। ये कंज्यूमर नंबर डालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, जो हमने कंज्यूमर नंबर आईडी इंटर की है उसके अंक बता रहा है ये कंप्यूटर। 8001626 पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं, दोबारा प्रयास करने के लिए 2 दबाएं, अथवा कृपया अपना अंतिम 4 अंकों वाला आधार क्रमांक टाइप करें। प्लीज एंटर द लास्ट 4 डिजिट एसटी नंबर। देखिए कह रहे हैं आधार कार्ड के 4 अंक डालें। तो आधार नंबर हम डाल कर देते हैं। इंजीन ऑटोमेटेड रीफिल बुकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। तो लास्ट में आधार के 4 डिजिट नंबर डालने के बाद हमारा गैस सिलेंडर बुक भी हो गया और हमारा ये न्यू नंबर रजिस्टर भी हो गया गैस एजेंसी में, या पहले जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर था वो चेंज भी हो गया। इससे पहले मेरा दूसरा नंबर था गैस एजेंसी में, अब ये मेरा एक न्यू नंबर रजिस्टर हो गया गैस एजेंसी में। इसी तरीके से आप भी अपना गैस सिलेंडर बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं, या आप अपना मोबाइल नंबर
गैस एजेंसी में घर बैठे रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं, या चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यही थी छोटी सी जानकारी, आप अपना गैस सिलेंडर कैसे आसानी से बुक कर सकते हैं, या आप अपना एक न्यू मोबाइल नंबर गैस एजेंसी में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, या चेंज करना चाहते हैं आप तो आप अपना गैस एजेंसी में घर बैठे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।